हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा सर्कुलर परमुटेशंस का जो फार्मूला है कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम राउंड टेबल पे अरेंज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। तो वो एन माइनस वन फैक्टोरियल मतलब माइनस वन क्यों करते हैं, उसका रीज़न बताऊँगा। और अगर मान लिया जाए कोई गार्लैंडिंग वाला प्रॉब्लम्स है तो जिसमें हम n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू करते हैं, तो उसका भी मैं रीज़न इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो रीज़न है बहुत सिंपल सा है। कैसा होता है कि जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, राउंड टेबल पे फोर पर्संस को मुझे अरेंज करना है, फोर पर्संस को अरेंज करना है, तो आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फार्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू फोर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये माइनस वन क्यों किया है उसका मैं रीज़न बताता हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखो कैसा होता है ना, जब भी आप फर्स्ट पर्सन को इस राउंड टेबल पे इन चेयरों पे में से किसी भी चेयर को मैं बिठाएंगे, तो एक्चुअली मैं उसके पास में चार डिस्टिंक्ट कंडीशंस मतलब चार डिस्टिंक्ट पोजीशन नहीं है उसके, वो जहाँ पे भी बैठेगा ना उसके पास में एक ही चॉइस है। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कैसे करें कि उसके पास में एक चॉइस कैसी है कि जहाँ पे भी वो बैठ जाता है, सपोज करो यहाँ बैठा, तो इस चेयर पे अगर वो बैठा है तो जो सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे कि जो अरेंजमेंट है वो कैसे दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया कि यहाँ अगर बैठा तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में एक एक चेयर है और इसके फ्रंट में एक चेयर है, करेक्ट है, यही है, इस प्रकार की सिचुएशन बन गई। अगर मान लीजिए वो यहाँ बैठ रहा है तो वापस से वही हो गया कि इसके लेफ्ट में और राइट में एक चेयर है, फ्रंट में एक चेयर है, या फिर वो यहाँ बैठेगा तो फिर वही सिचुएशन आ गई कि लेफ्ट और राइट में एक चेयर है, फ्रंट में एक चेयर है, मतलब वो चारों चेयर में से किसी भी चेयर के ऊपर बैठ रहा है, तो सिचुएशन या सिनारियो बिल्कुल सेम है। जब हम उसको स्टडी करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो जिस भी चेयर पे बैठे उसके सामने में एक चेयर रहेगी और उसके लेफ्ट और राइट में, तो मतलब फर्स्ट पर्सन जब भी राउंड टेबल में या सर्कुलरली अरेंज होगा तो उसके पास में एक ही तरीका होगा, किसी भी चेयर पे बैठे वो जो सिनेरियो बनने वाला है वो बिल्कुल सेम बनेगा, वो दूसरी चेयर पे भी बैठेगा, पहली चेयर को छोड़ के दूसरी चेयर पे भी बैठेगा, तब भी जो सिनेरियो बनेगा वो सेम रहेगा, मतलब उसके लिए कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं रहता है। फर्स्ट पर्सन के लिए कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, नंबर वन ऐसे सोचो आप, या फिर आप ये बोलो कि वो उसके पास में बैठने का एक ही चॉइस है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही चॉइस है, करेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन को आपने बिठा दिया, करेक्ट। अब मान लीजिए फर्स्ट पर्सन आपका यहाँ बैठ गया, अब बाकी जो रिमेनिंग थ्री पर्सन है उनके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, उनके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो अब इस चेयर की बात करो तो इस चेयर पे मैं या तो सेकेंड पर्सन को बन सकता हूँ या थर्ड को या फोर्थ को, मतलब यहाँ पे थ्री चॉइसेस होंगे। अगर यहाँ पे एक बंदा बैठ गया है तो अब यहाँ पे टू चॉइसेस होंगे और यहाँ पे वन चॉइसेस होंगे, करेक्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि ये टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6, या फिर बोलेंगे आप 3 फैक्टोरियल। कब, जब ये है ना, ये तीन बंदे, पहले तो ये बंदा बैठ चुका है, ये तीन बंदे यहाँ इस चेयर पे बैठने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है, इस चेयर पे बैठने के लिए फिर दो पॉसिबिलिटीज रहेगी और इस चेयर पे बैठने के लिए एक पॉसिबिलिटीज रहेगी, टोटल आ जाएगा 3 × 2 × 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। और ये 3 फैक्टोरियल को ही मैं लिख सकता हूँ 4 − 1 का फैक्टोरियल। देखो एक्चुअली में मेरे पास में फोर पर्सनस है और फोर पर्सनस को सर्कुलरली बिठाना है और आंसर आ रहा है 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 − 1 का फैक्टोरियल। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि हमने माइनस वन क्यों किया है, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो फर्स्ट पर्सन
यहाँ सर्कुलरली बैठेगा उसके पास में एक ही तरीका होगा, वो किसी भी चेयर पे बैठे जो भी सिनारियो बनने वाला है वो सेम आने वाला है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये रीज़न हो गया कि अगर एन डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है तो फार्मूला बनता है n-1 का फैक्टोरियल, करेक्ट है क्या? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमने 1 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट बंदा जो बैठने वाला है राउंड टेबल के ऊपर उसके पास में एक ही चॉइस रहेगी, दो तीन, मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट पर्सन के बाद में जो भी अरेंजमेंट हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के बाद में जो भी अरेंजमेंट हो रहा है वो लीनियर अरेंजमेंट हो रहा है, उसके बाद में राउंड टेबल अरेंजमेंट नहीं रहता है बाकी जो चेयर्स है फर्स्ट पर्सन के बैठने के बाद। तो बाकी जो चेयर्स में बाकी पर्सन बैठेंगे वो एक्चुअली में लीनियर अरेंजमेंट में आ जाएंगे। मतलब आप देखिए ना कि अरेंजमेंट कैसे डिस्टिंग होगा, इसके लेफ्ट में अगर ये वाली चेयर है तो यहाँ पे बंदा 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, इसके हिसाब से अरेंजमेंट बनेंगे, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो टोटल अरेंजमेंट इस प्रकार से 3 × 2 × 1, और ये 3 × 2 × 1 लीनियरली हुआ है, उसमें कोई राउंड राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो बंदा फर्स्ट जो बैठेगा राउंड टेबल में उसके पास में एक चॉइस होगा और बाकी रिमेनिंग चेयर्स को हम फील करेंगे लीनियर में, जैसे हम अरेंजमेंट करते हैं लीनियर अरेंजमेंट जैसा होता है, बस वही काम करना है, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये बात भी क्लियर होगी। अब इसके बाद में ये भी होता है कि अगर मान लिया जाए गार्लैंडिंग का प्रॉब्लम है, नेकलेस का प्रॉब्लम है, तो उसमें हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये वाले इसमें क्या हो गया, ये जो n-1 फैक्टोरियल है ना, हाँ, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n-1 फैक्टोरियल प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक और वर्ड रहता है प्रोवाइडेड द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो व्यू हो ना वो डिस्टिंक्ट, प्रोवाइडेड द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज व्यू डिस्टिंक्ट आर डिस्टिंक्ट। अब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज व्यू डिस्टिंक्ट कैसे, किसी एक पर्सन को हमने रेफरेंस माना था अभी, है ना, उस पहले पर्सन को रेफरेंस मान लो और उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज देखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना आपको डिस्टिंक्ट दिखेगा, करेक्ट है। हाँ, तो ये हो गया इसका कंप्लीट रीजन। देखो कैसे, फिर एक बार मैं बता देता हूँ, ये सर्कुलर में 4 पोजिशंस हैं, ठीक है, इन 4 पोजिशंस में मेरे को बंदों को बिठाना है। पहला बंदा उसके पास में एक ही चॉइस होगा, सपोज करो पहला बंदा यहाँ पर आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया, करेक्ट, और फिर अब बाकी रेस्ट के लिए वो फर्स्ट पर्सन रेफरेंस हो जाएगा, इसके लिए कोई रेफरेंस नहीं था, इसके पास में एक ही चॉइस है और ये खुद अब रेफरेंस बन जाएगा अगले 3 के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हम अब लीनियर अरेंजमेंट करेंगे इसको 3 तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करो इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से हम फिल करेंगे, टोटल 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा, लेकिन बंदे थे 4, तो 4-1 का फैक्टोरियल। तो उसी प्रकार से एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमको सर्कुलरली अरेंज करना है तो n-1 का फैक्टोरियल होगा, बट प्रोवाइडेड दी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट शुड बी डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट हो गई ना, देखेंगे आप इसके लेफ्ट में जो बंदा बैठा हुआ है उसके राइट में कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है ना, तो ये तो डिस्टिंक्ट हो ही गई होगा। लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे गार्लैंडिंग की, जैसे नेकलेस की प्रॉब्लम्स, तो उसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा एक नेकलेस ले लेता हूँ मैं, यहाँ बीच में कोई ये चीज है और इसमें आप लोग फ्लावर्स मनी कुछ ऐसे फील करते हो, करेक्ट है, हाँ, इस प्रकार का। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे आप नेकलेस करते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ये और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, है ना, डिस्टिंक्ट नहीं होते ये ऑब्जेक्ट या फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं होते, बिल्कुल सेम होते हैं, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये बंदा एक इलेवन, तो ये तो टेन फैक्टोरियल वेज में ही आया। आप इसको आप ऐसे बोल सकते हैं इलेवन माइनस वन फैक्टोरियल वेज में इनको हमारे टोटल बंदे हैं इलेवन, ऐसे ही बोलेंगे। नेकलेस का प्रॉब्लम है, आप इसमें फ्लावर बोल सकते हैं, टोटल इलेवन फ्लावर्स है इसमें, ये जो फ्लावर है ये दो फ्लावर है, ये बिल्कुल इन सारे फ्लावर से डिस्टिंक्ट है। फिर ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। तो यहाँ पे क्या काम हो गया है कि जब आप इसके एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तब भी अरेंजमेंट आपको सेम दिखाई देगा, और क्लॉकवाइज में देखेंगे तब भी आपका अरेंजमेंट सेम दिखाई देगा। करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज देखो या क्लॉकवाइज देखो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज व्यू आपका अगर आइडेंटिकल है। करेक्ट, और ये केस तभी होता है जब आप गार्लैंड वाला प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, नेकलेस वाला प्रॉब्लम्स करते हैं, तब हम इसको टू से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? टू टाइम्स, ठीक है। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, ये फार्मूला बन जाएगा आपका फॉर मेकिंग दी नेकलेस। नेकलेस एन बीट्स से हम बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ बेस इस प्रकार से होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे क्या हो गया खास बात कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेस व्यू दोनों के सेम है, जबकि पहले इसमें एन माइनस वन फैक्टोरियल क्यों लिया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्यू डिस्टिंक्ट थे। करेक्ट, और माइनस वन क्यों किया था, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए कोई रेफरेंस नहीं होता, उसके पास में एक ही चॉइस होता है, और बाकी रेस्ट जो बंदे रहते हैं वो सर्कुलरली नहीं बैठते, अब सर्कल में बैठेंगे, राउंड टेबल पे बैठेंगे, लेकिन अब लीनियर के वे में वो अरेंज होंगे। करेक्ट, ठीक नहीं, इसलिए माइनस वन किया था। ये बात सारी चीज़ें आपको समझ में आई। थैंक यू।